नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत और चीन में लद्दाख में तनातनी बढ़ती जा रही है। चीन के राष्ट्रपति लगातार भारतीय इलाकों में अपने विस्तार पर जोर दे रहे हैं। इसी बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन ने लद्दाख एलएसी पर अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। चीन ने पेंगोंग झील के पास ज्यादा वोट उतार दिए हैं। इसके साथ ही चीन ने यहां पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया है। चीन पेचिंग लद्दाख में भारत के निर्माण कार्यों को भी रोकने की कोशिश कर रहा है। यानी मामला जितना आसान लग रहा था, अब यह बेहद गंभीर हो चुका है। लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं एक बार फिर से आमने सामने है। इसका मतलब यह है कि इस इलाके में स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। पर इसी बीच भारत की सहायता के लिए अमेरिका बीच में कूद पड़ा है। ट्रंप प्रशासन चीन भारत सीमा विवाद में खुलकर भारत के पक्ष में आखड़ा हुआ है। इसके पहले वर्ष 2017 में जब दोनों देशों की सेनाएं डोकलाम में आमने सामने आई थी, तब भी अमेरिका ने भारत के पक्ष में बयान दिया था। लेकिन इस बार अमेरिका की तरफ से जो बयान आया वो ज्यादा साफ और चीन को चेतावनी देने वाला है। कल एशिया प्रशांत क्षेत्र पर आयोजित एक सेमिनार में प्रमुख राजनयिक एलिस वेल्स ने कहा कि भारत के खिलाफ चीन का व्यवहार भड़काने वाला है। चीन को भारत की सीमाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। भारत अमेरिका का प्रमुख सहयोगी है, उसे अपनी हरकतों पर अंकुश लगाना सीखना होगा। यानी चीन किसी भी सूरत में भारत को कमजोर या अकेला बिल्कुल ना समझे। अमेरिका के भारत के समर्थन में कूदने से चीन की टेंशन बढ़ गई है। खास बात यह है कि लद्दाख के मुद्दे पर उसे रूस या अन्य किसी देश का साथ नहीं मिला है। भारत के मामले में रूस वैसे भी चीन का समर्थन कभी नहीं करेगा, मगर जो पहल रूस को करनी चाहिए थी उसे अमेरिका ने करके भारत से अपने मजबूत रिश्तों का परिचय दिया है। खास बात यह है कि एलिस विल्स ने एक बार फिर से सीपैक पर चीन को लताड़ लगाई है। उन्होंने इस गलियारे के गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरने पर चीन को दोबारा चेताया है। यानी किन्हीं भी परिस्थितियों में अमेरिका भारत के समर्थन में खड़ा है। संभवतः चीन को इतनी जल्दी अमेरिका के भारत के समर्थन में आने की उम्मीद नहीं थी, मगर ट्रंप ने उसे संदेश दे दिया है कि वह मोदी से अपनी दोस्ती को कितना सम्मान देते हैं। वैसे चीन को इस बात का एहसास है कि भारत से उसका संघर्ष उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। भारत के पीछे अमेरिका समेत कई विकसित देश खड़े हैं, जो ऐसे किसी संघर्ष में भारत को हर प्रकार का समर्थन दे सकते हैं। साल 2017 में डोकलाम के मुद्दे पर अमेरिका और जापान खुलकर भारत के साथ आ खड़े हुए थे। उन्होंने चीन को पीछे हटने का मैसेज भी दे दिया था। परिणाम स्वरूप चीन ने अपने कदम वापस खींचने में ही भलाई समझी थी। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि चीन इस तरह की हरकतें करके भारत की ताकत और उसके सहयोगियों की शंका का पता लगा रहा है। चीन यह भी परखना चाहता है कि अगर दक्षिण चीन सागर में उसका अमेरिका से टकराव होता है, उसमें भारत की क्या भूमिका होगी। दरअसल इन हालातों में चीन को परास्त करने के लिए अमेरिका के भारत की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। खासतौर से अमेरिकी जहाजों की रिफरिंग के लिए उसे चीन के पड़ोसी देश में ठिकाना चाहिएगा। पाकिस्तान चीन के खिलाफ ऐसे किसी अभियान का हिस्सा नहीं बनेगा, मगर भारत ऐसा जरूर कर सकता है। वैसे जब से हिंद महासागर में भारत, जापान, अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यासों की श्रृंखला चलाई है, यह गठजोड़ बेहद मजबूत हुआ है। अब तो ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे अभ्यासों का हिस्सा बन गया है। अमेरिका का भारत के पक्ष में दिया गया बयान न केवल सरकार का हौसला बढ़ाने वाला है, बल्कि इससे भारतीय और अमेरिकियों के बीच विश्वास भी बढ़ता है। यह भारत अमेरिका की नजदीकियों को साबित करता है। साथ ही उस रूस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है जिसके 70% हथियार भारत सेना की ताकत बढ़ाते हैं। रूस की चुप्पी चीन का मनोबल बढ़ाने वाली है, तो अमेरिका की चेतावनी से उसकी घबराहट बढ़ गई है। भारत में अमेरिकी विरोधी इस पर अलग तरक दे सकते हैं, मगर मित्र की पहचान संकट काल में ही होती है। भारत ने मुसीबत में फंसे अमेरिका को HCQ दवाई भेजी तो अमेरिका ने 200 वेंटिलेटर भारत को भेजकर आत्मीय रिश्तों का एहसास करा दिया। यह तब हुआ जब हर मुल्क में वेंटिलेटर की कमी है और इनका आयात निर्यात शून्य पर आ गया है। पिछले साल पाकिस्तानी नागरिक मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराना बिना अमेरिका के सहयोग के नहीं हो सकता था। डोकलाम में स्थिति बिगड़ सकती थी अगर जापान अमेरिका खुलकर भारत के साथ नहीं आते। कश्मीर पर भारत पिछड़ सकता था अगर अमेरिका मोदी का समर्थन नहीं करता। पाकिस्तान और अधिक घातक हो जाता यदि ट्रंप रेडिकल इस्लाम से दुनिया को सचेत नहीं करते। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार आयोग में चीन पाकिस्तान की जोड़ी जीत सकती थी अगर अमेरिका डटकर भारत के साथ खड़ा नहीं होता। अब अगर भारत इसके बदले अमेरिका से हथियार खरीद रहा है तो इसमें बुराई भी कुछ नहीं है। खास बात यह है कि रोमियो हेलीकॉप्टर, चिनुक अपाचे और ड्रोन ऐसे अमेरिकी हथियार हैं जो रूस के पास बिल्कुल नहीं है।
बड़ी बात यह है कि दक्षिण एशिया में भारत को अमेरिका से ही हथियार मिल रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जब रूस से हथियार खरीदने पर अमेरिका हर देश पर प्रतिबंध लगा रहा था, भारत के लिए उसने अपने कानून तक में संशोधन कर दिया। फिर वर्तमान हालातों में भारत का अमेरिका से बढ़कर कौन सा देश इतना अच्छा दोस्त हो सकता है, केवल इजराइल को छोड़कर। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।